मैदा के मसालेदार स्वादिष्ट नमकीन काजू के लिए मैदा, सूजी, नमक, चुटकी हल्दी, अजवाइन, और जब हमारे काजू बन जाएंगे मैदे के, उसके बाद ऊपर छिड़कने वाला मसाला सौंफ, जीरा, लाल मिर्ची, आमचूर पाउडर, नमक। मैदे के नमकीन काजू के लिए मैं मैदा, सूजी इनको आपस में मिक्स करूंगी। ये अजवाइन है, ये अपनी इच्छा अनुसार डाल देनी है। नमक अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा डालना है, क्योंकि बाद में मसाले में भी नमक होगा। और सिर्फ कलर के लिए चुटकी भर हल्दी, कलर के लिए बस। अब मैं इसको, ये दूध है, ये हल्का गर्म दूध है, और पहले तो इसको तेल डालूंगी इसके अंदर, इतना तेल डालूंगी कि इसमें हमारी जो मैदे की है, जब हम मैदे को आपस में मिलाएं तो इसमें एक अपनी अलग सी एक ऐसे मुट्ठी बन जाए। ठीक है, इसको हमारी मुट्ठी तैयार हो जाए। अब मैं इसको दूध के साथ गूंद लूंगी। अब ये इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। के लिए मैं ये जीरा है, मैं भून लूंगी। जीरा, सौंफ, इन दोनों को भून लूंगी हल्का हल्का, फिर अभी मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये भुना जीरा और सौंफ, इसको मैं इसके अंदर ये नमक, आमचूर और लाल मिर्ची, इनको आपस में ग्राइंड कर लूंगी और इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। इसे 5 मिनट रेस्ट पे रखा था, अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी ऐसे करके लोइयां बना लूंगी, 1, 2। इस पर लोइयां बना के मैं रख लूंगी। ठीक है, और मैं इसको इसमें बेल लूंगी। इसकी चपाती बना लेनी है, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी, इस पर चपाती बना के, चपाती मैंने रख ली। इस प्रकार मैं दूसरी चपाती भी बना लूंगी। इस चपाती के ऊपर दूसरी चपाती भी रख दूंगी। कोशिश ये करूंगी इनको आपस में मिला लूं। देख रहे हैं आप, अब मैं क्या करूंगी। इस प्रकार आप कोई भी बोतल का ढक्कन, कैसा भी ढक्कन आप बोतल का खोल लीजिए। मैंने सॉस की बोतल का ढक्कन खोला है और मैं इसको अब काजू की शेप में बनाना शुरू करूंगी। इस पर मैं आप देख रहे हो, मैंने उस ढक्कन से, काजू की शेप से मैंने ऐसे तैयार कर लिए। अब मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, तब इनको मैं तल लूंगी। तेल गर्म हो चुका है और मैं अब इसमें काजू डाल दूंगी।
दिख रहे हैं ना जैसे काजू होते हैं। अरे मैदे के काजू तैयार हो चुके हैं और जो मैंने मसाला पीसा था वो मसाला मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, इससे ये थोड़े चटपटे खट्टे और स्वादिष्ट हो जाएंगे।